Hello everyone, welcome back to our channel The Kalaparak. Here we are back again with a new video that how to paint a wooden spatula. Agar aap hamare channel ko first time dekh rahe hain, then please subscribe to our channel and if you like the video then please hit the like button. यहाँ पे मैं एकदम प्लेन सिंपल वुडन स्पून ले रही हूँ जो इजीली किसी भी स्टोर या मार्केट में आपको मिल जाएगा या फिर आप घर में यूज स्पून को भी रीयूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कथकली फेस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहो तो सेम डिज़ाइन कॉपी कर सकते हो या अपनी पसंद का कोई भी फेवरेट डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली नो हमने इससे पहले प्लास्टिक प्लेट्स पेंट की थी। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, प्लीज़ गो एंड चेक आउट। ऐसे हैंडमेड पीसेस को आप अपने घर में आपकी किचन वॉल पे या डाइनिंग स्पेस पर मिक्स एंड मैच करके डेकोरेट कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी इट विल गिव एन ऑसम ब्यूटी टू योर वॉल। एज यू कैन सी मेरा कथकली फेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू मेक सम डिज़ाइन ऑन द हैंडल टू। ये एक ब्यूटीफुल ट्राइबल बॉर्डर है जो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। आपने ऐसे ट्राइबल बॉर्डर्स यूजुअली बहुत ही इंडियन फोक आर्ट्स में देखा होगा बहुत बार। ऐसे डिज़ाइंस नॉर्मली वाली आर्ट में बॉर्डर्स पे हम लोग ड्रॉ किया करते हैं, तो आप वहाँ से कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला सीन ले सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। सो नाउ ड्रॉइंग कम्प्लीट एंड इट्स टाइम टू कलर। हियर आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर्स। सबको पता है दे आर वाटर प्रूफ कलर्स, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। पोस्टर कलर्स मत यूज़ करना, वो वॉशेबल होते हैं, वॉश हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत डाइल्यूट कलर लिया है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे उससे क्या होता है पैचेस नहीं आता है। वाओ, ट्रिप नंबर वन। गाइस फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज़ फॉलो आर इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ द कलापराक। नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए उसे। ओके, तो यहाँ कथकली में फेस ग्रीन कलर का होता है। ओह, एवरीवन नोज दैट ऑब्वियसली, बट फिर भी मैं सेम वैसे ही कॉम्बिनेशन मैंने बॉर्डर पे भी लिया है रेड एंड ग्रीन कलर का। यह कॉम्बिनेशन आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, लाइक रेड कलर जैसे मैंने मुकुट पे किया है, येलो ऑरेंज। अगर मैं येलो बैकग्राउंड भी नहीं लेती तो ऑब्वियसली मैं उसे थोड़ा सा चेंज कर सकती थी। बट यहाँ पे ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद उसमें जैसे यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसमें फाइनल हाइलाइटिंग टच कर दूंगी। जो बारीक डिज़ाइन है उसको आप थिन मार्कर से भी कर सकते हो या फिर मैंने यहाँ पे थिन ब्रश से कंप्लीट कर दिया। और छोटे छोटे से डिज़ाइंस वो मैंने 3D आउटलाइनर से उसके मुकुट पे बना दिया है। आवर स्पैटुला इज़ कम्प्लीट। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। लव यू ऑल।